खुशी आप देख सकते हैं, बहुत से जमीन को दिए जा रहे। 3 दिन से मार रहे थे ना, मेरा लीडर वापस आ गया, बस कुछ नहीं कहना। हमला किया था इमरान खान पे, आज हमने उसकी फतह हासिल की है। कानून ने हमें इंसाफ दिया है, अगर इसी तरह इंसाफ चलता रहे तो मुल्क की कानून की बलादस्ती होगी। पंजाब पुलिस वाले हमारे भाई हैं, हम इनको सलाम करते हैं। हमारा लीडर छूट चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरी। इमरान खान साहब को अदालत से इस वक्त बाहर निकल चुके हैं अपनी अदालत से, और इमरान खान साहब को रिहा भी कर दिया गया है। कल को दोबारा उन्हें अदालत में बुलाया गया है, तो आवाम है उनको अब पुरअमन रहने के लिए जो पुलिस है यहाँ पर तैनात की जा चुकी है, क्योंकि बहुत से वर्कर्स इमरान खान के कारकुनान जो है बहुत सारी स्पीड में इस तरफ आ रहे थे और दंगा फसाद के लिए दोबारा से तैयार थे। उन सबको रोकने के लिए हमारी पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से कारकुनान को अभी भी वहाँ पर रोका जा रहा है और उनको उनके साथ मारपीट नहीं की जा रही, बल्कि उन्हें समझाया जा रहा है कि अब अमन का कोई पैगाम दें, बिकॉज इमरान खान साहब को इस वक्त रिहा कर दिया गया। आपके सामने सारे मनाजर हैं कि जो कारकुनान है वो इस तरफ रवा दवा है और आवाम को हमेशा की तरह तंग करने के लिए तैयार, और उन कारकुनान के नाम ये पैगाम है, एक अमन का पैगाम है कि भाई परसों से आप लोगों ने बहुत तबाही की, बहुत फसाद किया, दंगा किया, हमारे शोहदा की यादगारों को तोड़ा, जिना के घर को तोड़ा, और आज जब इमरान खान साहब को रिहा कर दिया गया है तो इसके बाद एक अमन का जो पैगाम है वो दें और सुकून से अमन के साथ इमरान खान साहब के वापस आने का इंतजार करें। आपको मनाजर दिखाएं, यहाँ पर हमारे पुलिस के कारकुनान मौजूद हैं। ट्रैफिक जो है वो रवा दम है, ट्रैफिक को नहीं रोका गया। नाजरीन आप देख सकते हैं कि जो कारकुनान है वो जश्न का माहौल दिखा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उछल रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया गया है। हमारे पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है ताकि ये कारकुनान सिर्फ जश्न मनाए, यहाँ पर कोई दंगा फसाद ना किया जाए। आपको बाकी मनाजर भी दिखाते हैं। पुरअमन एहतजाज जो है उसके लिए यहाँ पर हमारी पंजाब पुलिस मौजूद है। हमारी पंजाब पुलिस ने लाहौर में एक अमन का जो पैगाम था उसको देते हुए यहाँ पर सुकून बरपा करवाया। खुशी आप देख सकते हैं, बहुत से जमीन को दिए जा रहे। इमरान तेरे जान निसार। 3 दिन से मार रहे थे ना, मेरा लीडर वापस आ गया, बस कुछ नहीं कहना। नाजरीन पुरअमन तरीके से यहाँ पर आवाम जो है वो अपने डंडे फेंक कर जमीन को चूमने पर मजबूर है। सर क्या कहना चाहेंगे? आज कानून की फतह हुई है, जो इन्होंने हमला किया था इमरान खान पे, आज हमने उसकी फतह हासिल की है। कानून ने हमें इंसाफ दिया है, अगर इसी तरह इंसाफ चलता रहे तो मुल्क की कानून की बलादस्ती होगी। नाजरीन आवाम यहाँ पर अभी भी दंगा फसाद करने को तैयार है, मगर हमारी पुलिस सुकून से इनको रोक रही है। सर आप अमन का पैगाम दे रहे हैं, उसके बावजूद आवाम का ये हाल है? नहीं, आवाम भी वो जश्न मना रहे हैं। पंजाब पुलिस वाले हमारे भाई हैं, हम इनको सलाम करते हैं। हमारा लीडर छूट चुका है। नाजरीन आखिर इमरान खान साहब को रिहा कर दिया गया और ये जो मामला है आपके सामने, नाजरीन आपके सामने अमन के पैगाम के लिए जब हमारी पंजाब पुलिस सामने खड़ी थी कि भाई अब इमरान खान साहब को रिहा कर दिया गया तो आप सुकून से यहाँ पर वापस चले जाए, दंगा फसाद ना करें, ये सब सुनने के बावजूद हमारी जो आवाम है, नाजरीन आप देख सकते हैं कि मना करने के बावजूद आवाम ने यहाँ पर दंगा फसाद किया, डंडे का जोर दिखाया, पुलिस को मारने की कोशिश की, जिसके जवाब में हमारी पुलिस को अमन कायम रखने के लिए इन लोगों को रोकना पड़ा। खुशी आप देख सकते हैं, बहुत से जमीन को दिए जा रहे। 3 दिन से मार रहे थे ना, मेरा लीडर वापस आ गया, बस कुछ नहीं कहना। हमला किया था इमरान खान पे, आज हमने उसकी फतह हासिल की है। कानून ने हमें इंसाफ दिया है, अगर इसी तरह इंसाफ चलता रहे तो मुल्क की कानून की बलादस्ती होगी। पंजाब पुलिस वाले हमारे भाई हैं, हम इनको सलाम करते हैं। हमारा लीडर छूट चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरी। इमरान खान साहब को अदालत से इस वक्त बाहर निकल चुके हैं अपनी अदालत से, और इमरान खान साहब को रिहा भी कर दिया गया है। कल को दोबारा उन्हें अदालत में बुलाया गया है, तो आवाम है उनको अब पुरअमन रहने के लिए जो पुलिस है यहाँ पर तैनात की जा चुकी है, क्योंकि बहुत से वर्कर्स इमरान खान के कारकुनान जो है बहुत सारी स्पीड में इस तरफ आ रहे थे और दंगा फसाद के लिए दोबारा से तैयार थे। उन सबको रोकने के लिए हमारी पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से कारकुनान को अभी भी वहाँ पर
रोका जा रहा है और उनको उनके साथ मारपीट नहीं की जा रही, बल्कि उन्हें समझाया जा रहा है कि अब अमन का कोई पैगाम दें, बिकॉज इमरान खान साहब को इस वक्त रिहा कर दिया गया। आपके सामने सारे मनाजर हैं कि जो कारकुनान है वो इस तरफ रवा दवा है और अवाम को हमेशा की तरह तंग करने के लिए तैयार, और उन कारकुनान के नाम ये पैगाम है, एक अमन का पैगाम है कि भाई परसों से आप लोगों ने बहुत तबाही की, बहुत फसाद किया, दंगा किया, हमारे शोहदा की यादगारों को तोड़ा, जिना के घर को तोड़ा, और आज जब इमरान खान साहब को रिहा कर दिया गया है तो इसके बाद एक अमन का जो पैगाम है वो दें और सुकून से अमन के साथ इमरान खान साहब के वापस आने का इंतजार करें। आपको मनाजर दिखाए, यहाँ पर हमारे पुलिस के कारकुनान मौजूद हैं, ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है, ट्रैफिक को नहीं रोका गया। नाजरीन आप देख सकते हैं कि जो कारकुनान है वो जश्न का माहौल दिखा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उछल रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया गया है। हमारे पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है ताकि ये कारकुनान सिर्फ जश्न मनाए, यहाँ पर कोई दंगा फसाद ना किया जाए। आपको बाकी मनाजर भी दिखाते हैं, पुरअमन एहतजाज जो है उसके लिए यहाँ पर हमारी पंजाब पुलिस मौजूद है। हमारी पंजाब पुलिस ने लाहौर में एक अमन का जो पैगाम था उसको देते हुए यहाँ पर सुकून बरपा करवाया। खुशी आप देख सकते हैं, बोसे जमीन को दिए जा रहे हैं। इमरान तेरे जान निसार, तीन दिन से मार रहे थे ना, मेरा लीडर वापस आ गया, बस कुछ नहीं कहना। नाजरीन पुरअमन तरीके से यहाँ पर आवाम जो है वो अपने डंडे फेंक कर जमीन को चूमने पर मजबूर है। सर क्या कहना चाहेंगे? आज कानून की फतह हुई है, जो इन्होंने हमला किया था इमरान खान पे, आज हमने उसकी फतह हासिल की है। कानून ने हमें इंसाफ दिया है, अगर इसी तरह इंसाफ चलता रहे तो मुल्क की कानून की बलादस्ती होगी। नाजरीन आवाम यहाँ पर अभी भी दंगा फसाद करने को तैयार है, मगर हमारी पुलिस सुकून से इनको रोक रही है। सर आप अमन का पैगाम दे रहे हैं, उसके बावजूद आवाम का ये हाल? नहीं, वहाँ भी वो जश्न मना रहे हैं। पंजाब पुलिस वाले हमारे भाई हैं, हम इनको सलाम करते हैं, हमारा लीडर छूट चुका है। नाजरीन आखिर इमरान खान साहब को रिहा कर दिया गया और ये जो मामला है आपके सामने, नाजरीन आपके सामने अमन के पैगाम के लिए जब हमारी पंजाब पुलिस सामने खड़ी थी कि भाई अब इमरान खान साहब को रिहा कर दिया गया तो आप सुकून से यहाँ पर वापिस चले जाए, दंगा फसाद ना करें, ये सब सुनने के बावजूद हमारी जो आवाम है, नाजरीन आप देख सकते हैं कि मना करने के बावजूद आवाम ने यहाँ पर दंगा फसाद किया, डंडे का जोर दिखाया, पुलिस को मारने की कोशिश की, जिसके जवाब में हमारी पुलिस को अमन कायम रखने के लिए इन लोगों को रोकना पड़ा। खुशी आप देख सकते हैं, बोसे जमीन को दिए जा रहे हैं। तीन दिन से मार रहे थे ना, मेरा लीडर वापस आ गया, बस कुछ नहीं कहना। हमला किया था इमरान खान पे, आज हमने उसकी फतह हासिल की है, कानून ने हमें इंसाफ दिया है, अगर इसी तरह इंसाफ चलता रहे तो मुल्क की कानून की बलादस्ती होगी। पंजाब पुलिस वाले हमारे भाई हैं, हम इनको सलाम करते हैं, हमारा लीडर छूट चुका है।